देखो तुम डिसाइड कर लो, पूरा खुलने के बाद भी या तो तुम आ जाओ या तो रुक जाओ, भरने दो, आराम से आना, कोई जल्दबाजी नहीं है। सुबह से वेट कर ही रहे हैं, थोड़ा और वेट कर लेंगे। 4 घंटे से इनको क्या पता, 4 घंटे से मशीन में 4 कपड़े डाल करके वेट कर रहे हैं। तुम्हारे इस प्रेशर पर हमें भरोसा रहा तो 400 साल लग जाएंगे हमें कपड़ा धोने को। तो डिसाइड कर लो, हमें बता देना तो क्या करना है हमें आगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ द चैनल, होप यू आर डूइंग बहुत ज़्यादा बढ़िया। अभी थोड़ा सा है बहुत ज़्यादा बिजी और एकदम भागा भागी में क्यों है, क्योंकि अभी अपना वैक्सीन का स्लॉट है और टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो जा रहे हैं पहले वैक्सीन लेंगे उसके बाद आपसे बात करेंगे। यार वैक्सीनेशन तो हो गया, बड़ा जल्दी, 2 मिनट लगा बस, आए ना स्लॉट दिखाया, सीक्रेट कोड बताया, 2 मिनट में हो गया, बड़ा फास्ट काम चल रहा है। डॉक्टर का रिकमेंडेशन है कि थोड़ा फीवर आ सकता है, रैशेस हो सकता है, तो अपन सेफ साइड के लिए Dolo 650 ले लेंगे, डॉक्टर जो रिकमेंड किए हैं, क्योंकि अपने को अभी काम बहुत ज़्यादा है, अभी ले लिया है तो 4-5 घंटे के आसपास के बाद में अपने को फीवर आने लगेगा, तो कोशिश करना है कि अगले 2 या 3 घंटे में अपन काम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ऐसा है कि हमारा वैक्सीनेशन तो हो गया, ठीक है, वैक्सीनेशन हमने सोचा था थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी काम हो गया, बहुत अच्छा लगा, काम हो गया है, वैक्सीनेशन लेके यही कोई 1.5 घंटे के आसपास हो गए हैं, और अभी अभी हल्का सा राइट हैंड में लिया है तो हल्का सा पेन अपने को महसूस हो रहा है, समझ आ गया है कि अगले 2-3 घंटे के अंदर अगर हमने काम फिनिश नहीं किया तो हमारे लिए और जिसका काम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी हो सके इस काम को कम्प्लीट कर लिया जाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हमें काम क्या है, काम ये है कि हमारा एक डेमो है, ठीक है, एक मशीन का डेमो है, मशीन का डेमो देने के लिए जाना है, और ये है हमारे लोकेशन से अबाउट 22 किलोमीटर्स दिखा रहा है, 22 किलोमीटर्स है, वहाँ जाना है डेमो दे करके, फिर वहाँ से सीधे रूम निकल लेंगे, ऑफिस वापस नहीं आएंगे, बाकी सब चीज़ ठीक है। और आपसे एक न्यूज़ शेयर कर देते हैं, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आफ्टर 1 ईयर मैं जा रहा हूँ घर, लास्ट 4 दिन और बचे हैं वेट करने को, 365 डेज में 361 हमने काट दिए, लास्ट 4 दिन बचे हैं और मैं जा रहा हूँ घर। 30th को मेरी फ्लाइट है सुबह 7:30 बजे की, और यही कोई 9:30 बजे के आसपास मुझे रांची उतार देगी, वहाँ से एक टैक्सी लेकर के अपन वही 12 बजे के आसपास, 12:30-1 बजे के आसपास में पहुँच जाएंगे घर। फाइनली अपन एक साल के इंतज़ार के बाद में घर जा रहे हैं, खुशी बहुत ज़्यादा है, इमोशनल भी है, एक साल के बाद में घर वालों को देखना, दोस्तों को देखना, अलग ही लेवल की खुशी है, वो कोई बयां नहीं कर सकता, इसलिए वैक्सीन वगैरह सब कुछ ले करके अपनी तरफ से रेडी हो गया हूँ। दूसरा एक और चीज़ जो पता चला है रूल रेगुलेशंस पढ़ने के टाइम, जब मैं रांची अराइव करूँगा तो मेरे को वहीं पर RT-PCR कराना पड़ेगा, वो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, बैंगलोर एयरपोर्ट में चार्ज कर रहे हैं 800 रुपीज़ के आसपास समय, और वहाँ पर लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये काम अपने को कराना पड़ेगा, वहाँ पर पहुँचेंगे या दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम यहाँ से RT-PCR करा करके जाएँ अपना और 72 आवर्स तक का वो वैलिड रहेगा, एल्स हम वहाँ रांची पहुँच करके ही करवा लें, तो हम देखते हैं मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं RT-PCR यहीं पर करा लूँगा पूरा टेंशन फ्री हो करके, और अगर नहीं तो सीधा रांची पहुँचेंगे, रांची अपन एयरपोर्ट पे ही करा लेंगे। तो आज खाना मंगवा लिया, खाना आ रहा है, खाना खा करके निकलेंगे सीधा काम पे, काम अपना क्लियर करके लौटेंगे रूम। और हाँ गाइस, भूलना नहीं 1 ट्रिलियन सब्सक्राइबर्स जाना है, तो दोस्तों को शेयर कीजिए, जो ब्लॉग्स देखते हैं उनको भेजो यार, उनको भेजो, उनको बोलो देखने को, लेकिन किसी को भी सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं करने का कि नहीं भाई कर ले जब सब्सक्राइब, ये काम नहीं करना, ये काम मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को ही बोल के रखा है ये काम नहीं करना, जिनको अच्छा लगे वो खुद सब्सक्राइब कर लें।
विद थम्स अप, ड्रिंक वाटर। सो गाइस, मीटिंग हमारा हो गया कंप्लीट। मीटिंग रहा बहुत ही अच्छा, जितना एक्सपेक्टेशन नहीं था उससे ज्यादा अच्छा मीटिंग रहा। दो तीन दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको बता देंगे। आज के ब्लॉग में हमारे पास बहुत कुछ बताने के लिए, दिखाने के लिए नहीं था, इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में हमने ले लिया भैया 12 बजे के आसपास से वैक्सीन, और वैक्सीन लेने के बाद से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स एनर्जी लेवल हमारा डाउन होना स्टार्ट हो गया था। अभी के टाइम पे रात के 11:30 बज रहे हैं अभी, और अभी मैक्सिमम डाउन के आसपास हो चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी आपको कमिटमेंट दे दिया है कि कल दिन में आपको 10 बजे वीडियो मिल जाएगा, वीडियो आ जाएगा आपके लिए। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यहाँ मेरा हैंडल है, इस पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ब्लॉग्स आने से पहले उसका सारा अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। अब दो तीन दिन से थोड़ा सा टेंशन में हूँ, एक वीडियो के बारे में सोच रहा हूँ, उसको बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बनाना ठीक है नहीं है, समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली डिसाइड किया कि चलो बनाते हैं, जोगा देखा जाएगा। आप में से बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि पटना में एक यूट्यूबर के साथ में कुछ एक गलत इंसिडेंट हुआ है। उसके चैनल का नाम है बाइक्स वे, अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो बाइक्स वे। एक्चुअल में कुछ पुलिस के साथ में उसकी कुछ झड़प हो गई है। एग्जैक्ट हर चीज़ जानने के लिए उसके पेज पे जाकर के एग्जैक्ट उसका ही वीडियो सिर्फ देखिए। देखो, हम लोगों में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहती गंगा में हाथ होते हैं। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब किसी दूसरे का प्रॉब्लम, किसी दूसरे के इश्यूज, आप उससे अपना फ़ायदा निकाल लेंगे। वो क्या करते हैं, क्लिकबेट करते हैं यूट्यूब पे या अलग अलग फेज पे। क्या हो रहा है, उस बेचारे का वीडियोस को निकाल निकाल करके लोग अपने पेज पर डाल रहे हैं और व्यूज कमा रहे हैं, लाइक्स कमा रहे हैं। ये तो तब भी ठीक है, गलत गलत थंबनेल डाल करके 4 पुलिस वालों का फोटो डाल देंगे, कुछ गलत गलत कमेंट लिख दिया, लड़के का फोटो डाल देंगे, कुछ गलत कमेंट लिख दिया। इसे क्या कर रहे हैं लोग, जो मेन पटना पुलिस है उसको भी बदनाम कर रहे हैं, जो लड़का है उसको भी बदनाम कर रहे हैं। जिन्हें भी जानना हो कि हाँ एक्चुअल में लड़के के साथ में क्या हुआ, ठीक है क्या गड़बड़ ऐसा हो गया, तो मेरा इतना ही बोलना है कि उसके अपने पेज पे जा करके देखो। आप सर्च करोगे बाइक्स पे तो कम से कम 100 वीडियोज आएंगे, 100 में से 4-5 वीडियो उसके हैं और बाकी वेल नोन यूट्यूबर्स के हैं वीडियो सब। सब अपना बस व्यूज़ कमाने के लिए, ठीक है कुछ व्यूज़ मिल जाएँ, कुछ सब्सक्राइबर्स मिल जाएँ, इस चक्कर में गलत शरत वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप चाहो तो इसके पेज पे जाकर के एग्जैक्ट, ये चैनल है बाइक्स वे, आप इस चैनल पे जाकर के सब चीज़ देख सकते हो और एग्जैक्ट क्या हुआ था ये आप पता कर सकते हैं। सो गाइस, इतना ही था आज की वीडियो के लिए। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा भी हेल्प आउट हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, और जो भी इस तरह के वीडियोज़ या ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, और किसी को भी फोर्स ना करेंगे सब्सक्राइब करें, वो जिनको कंटेंट अच्छा लगेगा वो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब कर लेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, पीस।